ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सबको सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट। एंड जो गाइस ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा काफी क्रिएटिव एंड ऑसम होने वाला है। सो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो देखने वाले जगह डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज हर वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। आगे चले गए आज की इस नई वीडियो को बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले करना है गाइस आप सभी को बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आप सभी को। तो गाइस, आप सभी को फिर करना है आप सभी को जाना है एड फोटो में। जाने के बाद गाइस यहां से आप सभी को पहले अपने मॉडल को ले लेना है, ठीक है। एंड तो गाइस मॉडल होगा उसको गाइस आप कुछ स्टेप्स लेना है। एंड गाइस, आपका मॉडल ने अगर ब्लैक कलर के कपड़े पहने तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये जो है ना हमारा थोड़ा सा पीछे से ग्लोइंग बैकग्राउंड है, तो इसके लिए ना मतलब कि ब्लैक कपड़े में होगा मॉडल तो काफ़ी अच्छा लगेगा। अभी हम इसमें रिंग लाइट वगैरह बनाएंगे तो काफ़ी अच्छी लगेगी हमारी फोटो। तो गाइस अभी हम क्या करेंगे, अभी पहले तो हम ना इसका एक डुप्लीकेट बना लेते हैं पहले मॉडल का, ठीक है। तो रिजल्ट के ऊपर जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके हम इसका एक डुप्लीकेट बना लेंगे एंड इसको सेम साइज़ में वैसे ही रख देंगे, ठीक है, जितना हमारा पहले वाला मॉडल का साइज था। फिर इसके बाद गाइस हम इस वाले मॉडल को लेके जाएंगे ऐसे इफेक्ट वाले ऑप्शन में। एंड गाइस यहाँ से ले जाएंगे हम इसको कलर्स में। कलर्स में ले जाने के बाद आपको जाना ब्लैक एंड व्हाइट में। ब्लैक एंड व्हाइट में जाने के बाद आपको इसको माउंट कर देना जीरो एंड कर देना मर्च। देन गाइस आपको जाना ले लेना ये नेगेटिव वाला ऑप्शन एंड इसको कर देना आप मर्च एंड इसको डन कर देना। एंड गाइस उसके बाद आपसे फिर करना इसको पहले पूरा साइज देख लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको जाना है इरेजर टूल में, इसको यहाँ पे आपको इन्वर्ट कर देना है। ब्रश को लेना है, हार्डनेस को फुल करना है एंड ओपेसिटी जो एकदम 2 तक रखना है, ठीक है। साइज को 2 तक रखना है एंड जो हार्डनेस है इसको फुल कर देना है। तो हम इसके फोटो को जूम करते हैं एंड जूम करने के बाद यहाँ से आपको फटाफट से कुछ स्टेप से पेंट करना है पूरे कोने कोने में, ठीक है। इससे एक हमारी रिंग लाइट क्रिएट होगी, तो इससे हमारी जो फोटो है काफ़ी अमेजिंग लगेगी। तो आप सभी को ये चीज़ करनी है, ठीक है सभी को। तो यहाँ पे हम इसको फटाफट करते हैं। एंड गाइस मैंने तो यहाँ पे वीडियो को फास्ट कर रखा है इसलिए थोड़ा आपको फास्ट दिख रहा होगा, बट आप लोग एकदम आराम आराम से करना, अच्छे तरीके से बनाना एकदम, ठीक है। तो उसके बाद अब क्या करना है आप सभी को, तो गाइस ये देखिए हमारी रिंग लाइट बन चुकी है। अब गाइस यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, अब आप सभी को गाइस यहाँ से दोबारा से मतलब कि जो ये वाला जो PNG का भी हमने रिंग लाइट लिया है, अब इसी का डुप्लीकेट करेंगे हम एंड इसको सेम साइज़ में रखेंगे एंड इरेजर टूल में जाएंगे, ठीक है। तो इरेजर टूल में जाने के बाद पहले तो हम जो मतलब जितना भी एरिया था हमारा ये इसको हम पहले वापस लिख रहेंगे, तो इसका साइज़ ओपोजिट सबको फुल करते हैं एंड जो हमारा पूरा था इसको पहले हम ले आएंगे, परफेक्ट है। अब गाइस इसका करेंगे हम यहाँ वापस इरेजर टूल में जाएंगे एंड यहाँ पे हम गाइस जो ये ब्रश होगा हम इसका साइज रखेंगे कुछ इतना एंड ओपोसिटी रखेंगे इतनी एंड हार्डनेस रखेंगे इतना, ठीक है। फिर उसके बाद हम साइड साइड में इसको भी पेंट करेंगे। सेम इसी टाइप से आपको कैसे मतलब कि एक जैसे कि मतलब कि लाइट इफेक्ट वाला और टोन देना, ठीक है। तो देखिए गाइस हमें हमारे एकदम परफेक्ट तरीके से बन चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। ओके सो गाइस इतना एकदम मैंने परफेक्ट तरीके से बना दिया रिंग लाइट वगैरह। अब गाइस आप सभी को क्या करना, अब यहाँ पर फोटो को डन कर देना है, ठीक है। आप सभी को फोटो को डन करने के बाद जाना आप सबको दोबारा ऐड फोटो में। यहाँ से आपको एक गाइस एक बिगिनर का PNG मिलेगा, आपको सिंपली इसको लेना है, यहाँ पे फुल स्क्रीन करके कुछ शेप्स ऐसे ऐड कर देना है एंड ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। देन गाइस आपको यहाँ पे फिर से डन कर देना है। उसके बाद गाइस हमारी जो फोटो है इसमें थोड़ा सा जो मॉडल है उसका फेस ना फेस में थोड़ा शेडो नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए करेंगे हम टूल्स में जाएंगे, फिर एडजस्ट में जाएंगे। एडजस्ट में जाने के बाद आपको शेडो वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके शेडो को आपको ऊपर की तरफ बढ़ा देना है। देन गाइस रिजल्ट टूल में जाना है, इसको यहाँ पे इन्वर्ट करना है, ठीक है। फिर ब्रश लेना है, ब्रश को लेने के बाद आपको सिंपली जहाँ पे आपको ब्राइटनेस चाहिए वहाँ पे आपको इस टाइप से पेंट कर देना है, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आपको फिर करना है, अभी हम थोड़ा सा आगे का इरेज करते हैं, तो अब इतना परफेक्ट है। अब यहाँ पे भी इतना कर देते हैं, आई मीन यहाँ पे डन, ठीक है। तो इतना हो चुका है, तो अभी क्या करेंगे हम इसको यहाँ पे कर देंगे डन। अब गाइस यहाँ पे हमारी बात आती है कलर करेक्शन की, जो कि हम करते हैं लाइट रूम ऐप में। तो अभी मैं इसको यहाँ पे फिलहाल सेव कर लेता हूँ एंड इसको लेके चलते हैं लाइट रूम ऐप में, क्योंकि बिना रिटच के तो हमारी फोटो बिल्कुल अधूरी है। तो चलते हैं लाइट रूम ऐप में, तो यहाँ पे हमने सेव कर लिए इसे, तो अब लाइट रूम ऐप को ओपन करते हैं। एंड गाइस आपसे को यहाँ पे क्या करना है, आपसे को जाना इस लाइट वाला ऑप्शन में, इसका थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है एंड जो हाईलाइट होगा जिसको भी थोड़ा इंक्रीज कर देना है एंड जो शेडो है इसको थोड़ा सा आपको बढ़ा देना है, ठीक है। एंड जो यहाँ पे आपको मिलेगा नीचे व्हाइट, आपको इसका जो व्हाइट है इसको बढ़ा देना है, क्योंकि हमने जो रिंग लाइट बनाई थी उसमें थोड़ा ग्लो आ जाएगा। एंड इसको जिसका ब्लैक इसको बढ़ा देना है एंड जाना आपको नीचे वाले कलर्स वाले ऑप्शन में, कलर्स वाले टूल में जाना है एंड उसका जो वाइब्रेशन होगा उसको बढ़ा देना है, टेम्परेचर थोड़ा कम कर देना ताकि हमारी फोटो में जो है थोड़ा सा ब्लू टोन आ जाए, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आपको जाना मिक्स टूल में, ऑरेंज कलर को लेना है, यहाँ पे सैचुरेशन माइनस कर देना है, ल्यूमिनस बढ़ा देना है। फिर उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको जाना है डार्क ब्लू में, आपको इसका ह्यू जो है चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे कि मतलब कि यहाँ पे डार्क ब्लू काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो हम इसका ये लग लेते हैं एंड यहाँ पे इतना परफेक्ट है, आप इसको डन कर देते हैं। अब यहाँ से जाएंगे हम नीचे वाले टूल में एंड यहाँ पे जाने के बाद आपको जाना है इसकी थोड़ी क्लियरिटी बढ़ा देना है एंड जो गाइस थोड़ा विग्नेट है वो डाल देना है एंड जो नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिला ग्रे अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है एंड जाना है इसके नीचे वाले टूल में। फोटो की जो शार्पनेस होगी आपको उसको बढ़ा देना है एंड जो नोड रोक्शन होगा आपको उसको बढ़ा देना है एंड जो कलर नोड रोक्शन होगा आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो हमारी फोटो का रिजल्ट है आप सभी के सामने, तो गाइस ऐसा करता है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी चले गए, मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।